स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एपी लॉसेट 2023 के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश लॉ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इसका फुल फॉर्म है, स्टेट लेवल एग्जाम है। यहाँ पे अगर आप लोगों को गाइस 3 इयर्स या 5 इयर्स लॉ कोर्सेज में एडमिशन चाहिए आंध्र प्रदेश में किसी भी इंस्टीट्यूट किसी भी यूनिवर्सिटी में, चाहे गवर्नमेंट या प्राइवेट, इस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिल सकता है। अब गाइस, ये जो एग्जाम है किसके थ्रू कंडक्ट ऑर्गेनाइज कराया जाता है, तो श्री कृष्णदेव राय यूनिवर्सिटी अनंतापुर के थ्रू गाइस ऑन बिहाफ ऑफ APSCHA हैदराबाद के थ्रू आप लोग एग्जाम कंडक्ट ऑर्गेनाइज कराया जाता है। अब गाइस, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। लाइक इसका जो एप्लीकेशन एग्जाम है दोनों ऑनलाइन मोड में यहाँ पे कंडक्ट ऑर्गेनाइज कराई जाती है। डेट्स की बात की जाए तो आप लोग एप्लीकेशन को मई में रिलीज किया जाता है और आप लोग का जो गाइस एडमिट कार्ड यहाँ पे जुलाई के फर्स्ट वीक में रिलीज किया जाएगा और एडमिट आपका जो एग्जाम है जुलाई मिड में आप लोग का एग्जाम कंडक्ट ऑर्गेनाइज कराया जाता है। नेक्स्ट, मूव ऑन टू एप्लीकेशन फॉर्म। सो गाइस, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, कोई भी गलती करते हैं, कोई भी मिस्टेक या कोई भी इनवैलिड डिटेल्स अगर आप एंटर करेंगे तो आपका एप्लीकेशन डायरेक्टली रिजेक्ट हो सकता है, मे बी आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट ना हो। क्या करना होगा कि एप्लीकेशन आप लोगों का रिजेक्ट ना हो वो भी देखेंगे, लेकिन उसके पहले ये देखते हैं कि मेन इशू क्या है यहाँ पे रिजेक्शन का। सो गाइस, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स रहते हैं फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन फिल कर रहे होते हैं, कोई आइडिया नहीं होता किस तरह से एप्लीकेशन को फिल करना है, क्या प्रोसेस है। यहाँ पे आप लोग एप्लीकेशन फिल करने के टाइम पे ये डॉक्यूमेंट फोटोग्राफ सिग्नेचर स्कैन किस तरह से करना है, प्रिस्क्राइब साइज में फॉर्मेट क्या है, जस्ट किसी भी तरह से एप्लीकेशन फिल करते हैं उनका एप्लीकेशन यहाँ पे मे बी रिजेक्ट हो जाता है। तो गाइस, यहाँ पे अब आप लोगों को क्या करना है, जैसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा हम उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में गाइस आप लोगों को लाइव एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बताया जाएगा। जी गाइस, फ्रॉम स्टेप 1 यानी कि आपका नाम एंटर करने से लेकर टिल फाइनल सबमिशन आपको यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फी तक इवन आप लोगों को पे करके बताया जाएगा। सो गाइस, मेक श्योर कीजिएगा आपने चैनल को सब्सक्राइब किया ताकि आपको कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत ना हो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में। बात की जाएगा इस यहाँ पे एप्लीकेशन फी की, तो आप लोगों का गाइस यहाँ पे एप्लीकेशन फी यहाँ पे टोटल यहाँ पे होने वाला है, टोटल एप्लीकेशन फी 809 रहेगा, एक्चुअल फी यहाँ पे आप लोगों का 750 रहने वाला है और प्रोसेसिंग फी 15 है। इस तरह से टोटल मिला के होता है आपका 809 एप्लीकेशन फी यहाँ पे रहेगा। अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो गाइस, 3 इयर्स लॉ कोर्सेज के लिए आप लोगों के पास बैचलर्स डिग्री रहनी चाहिए विद मिनिमम 45% रिजर्व कास्ट के लिए 40% और अपेयरिंग कैंडिडेट्स हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। 5 इयर्स लॉ कोर्सेज के लिए आप 12 पास आउट होनी चाहिए विद मिनिमम 45% और ओबीसी के लिए मिनिमम 42% एंड SC ST कास्ट के लिए 40% यहाँ पे मिनिमम रख दिया गया है। अपेयरिंग कैंडिडेट हो देन टू यू कैन अप्लाई फॉर दिस करंट एग्जामिनेशन। अब आते गए यहाँ पे एग्जाम पैटर्न पे। सो गाइस, आप लोगों का एग्जाम ऑनलाइन मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दिया जाएगा, ड्यूरेशन 90 मिनट्स दिए जाएंगे आप लोगों को पेपर सॉल्व करने के लिए। इंग्लिश और तेलुगु लैंग्वेज में आपका यहाँ पे पेपर लिया जाएगा, 120 क्वेश्चन टोटल एग्जाम में पूछे जाएंगे, हर एक सही आंसर पे 1 मार्क दिया जाएगा, गलत आंसर पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहेगी। नेक्स्ट, अब सिलेबस की बात की जाए तो गाइस आपका जो सिलेबस है यहाँ पे काफी ज्यादा वास्ट है, तो डिटेल सिलेबस हम डिस्कस नहीं कर सकते, इसलिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है जिसपे क्लिक करके डायरेक्टली आप लोग अपना कंप्लीट सिलेबस चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करेंगे फाइनली लास्टली एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड में आपकी बेसिक सी डिटेल्स रहते हैं, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, सब्जेक्ट्स, टाइमिंग्स, एग्जाम के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस। बट गाइस, यहाँ पे प्रॉब्लम है कि जब एडमिट कार्ड रिलीज होता है कैंडिडेट्स को पता ही नहीं चल पाता कि एडमिट कार्ड रिलीज हुआ है और वो एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाते। कई बार ऐसा होता है कि एडमिट कार्ड गाइस यहाँ पे रिलीज होने के बाद किस लिंक के थ्रू डाउनलोड करना उन्हें नहीं पता चल पाता है, तो आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, इसलिए आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में गाइस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे एक वीडियो बना देंगे, वीडियो में लाइव एडमिट कार्ड डाउनलोड करके बताएंगे, डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल लिंक दे देंगे और वीडियो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा एंड सेम एज इट इज फॉर रिजल्ट, आंसर की एंड काउंसलिंग, हर एक इवेंट आपको परफॉर्म करके बताया जाएगा। सो गाइस, नाउ आई होप आप लोगों को जो एपी लॉसेट 2023 के रिगार्डिंग कोई भी डाउट कोई भी इशू नहीं होगा, इनकेस कोई डाउट आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।